गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर रिलैक्स, जय हिंद। मैं हूं सोमनाथ मिश्रा और मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल सोल्जर रिलैक्स वर्ल्ड। सफलता के एक दौर आते हैं, लेकिन वो असफलताओं के पार होते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं लीडर्स, क्यों फेल हो जाते हैं अच्छे क्वालिटीफुल पर्सनैलिटी, जिसके अंदर वो बात होती है, वो दम होती है कि वो किसी भी नेटवर्क में सफल हो सकता है। एक्चुअल में वो अपनी सफलता को देख नहीं पाता। आप लोगों ने चाइनीज बेम्बू के विषय में जानते हैं? आप चाइनीज बेम्बू वो बेम्बू है जो पहला 6 महीना जब उसको उगाया जाता है, जब उसको लगाया जाता है, जब उसको रोपा जाता है, वो पहला जो 6 महीना है मात्र 1 फीट बढ़ता है ऊपर की तरफ। तो उसको लगाने वाले, उसको देखने वाले हताश हो जाते हैं कहीं कि 6 महीने में मात्र 1 फीट की वृद्धि। लेकिन दोस्त, नेक्स्ट जो 6 महीना होता है उसमें वो 30 फीट बढ़ते हैं, 30 फीट। तो ये पहला जो 6 महीना था, क्या वो सिर्फ और सिर्फ 1 फीट बढ़ा था? नहीं, पहला जो 6 महीना था वो उस समय जो है ऊपर की तरफ तो 1 ही फीट बढ़ा था, लेकिन जमीन के अंदर जो जड़ है उसका वो 1000 फीट बढ़ चुका था। यस, यही होता है चाइनीज बेम्बू। और वैसे ही जो है, जब लोग घर जमीन बनाता है, अपना जमीन पे घर बनाता है, तो नींव बनता है जब, तो ज्यादा समय, ज्यादा पैसा, ज्यादा एनर्जी, सब कुछ नींव में लगता है और दिखता कुछ नहीं है। लेकिन जब घर बनना शुरू होता है, यानी कि जमीन के ऊपर, तब जब दिखने लगता है तो धड़ाधड़ बनता है। तो सेम चीज है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। जब टीम बन रहा होता है, जब इंसान सक्सेस करने के बाद में या सक्सेस करने की लड़ाई में कई बार फेल होते हैं, कई बार संघर्ष के दौर से गुजरना होता है, और उस समय उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद मैं फेल हो गया, शायद मैं कर नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरे टीम मेरे को छोड़ के जा रहा है। लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि आप काम एक जगह कर रहे हो, लेकिन उसके रिजल्ट चारों तरफ से बन रहा है। दुनिया आपको देख रहे हैं, दुनिया के नजरें में आपके ऊपर लगा हुआ है। इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं आपके जड़े मजबूत हो रहा है। और जिस दिन बढ़ना शुरू होगा ना दोस्त, उस दिन आप क्या, कोई भी जो है आपको नाप नहीं पाएगा। इतनी स्पीड से नेटवर्क इंडस्ट्री में जब ग्रो होता है तो उस स्पीड से ग्रो होता है। आपको टूकना पड़ेगा, आपको ठहरना पड़ेगा। जब आप ही जो है अपनी जमीन छोड़ के भाग जाओगे, तो सफलता का जो ये सफलता का स्टाम्प लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा आखिर? कौन सफल होगा? क्योंकि आप तो जा चुके हो। जो डटा रहेगा, जो असफलताओं को स्वीकार करेगा और उसके खिलाफ लड़ता रहेगा, सफलता उसी का जो है हक है। आप यदि सफल होना चाहते हो तो दोस्त, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपनी हक की लड़ाई जिस तरीके से लड़ रहे हो, उसको जब हक जीत जाओगे आप, तो उसको एंजॉय करने के लिए आपको रुके रहना पड़ेगा। यस दोस्त, मेरा नाम सोमनाथ मिश्रा है, और यदि मैं अपने विषय में बताऊँ तो शायद मुझे खुद नहीं पता कि मैं एक फेल्योर इंसान की एग्जाम्पल हूँ कि एक सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल हूँ। जी हाँ दोस्त, मैं आर्मी में पहुँचने से पहले, मैं उस क्वालिफिकेशन को हासिल करने से पहले, मैं उस मकाम को पहुँचने से पहले कई बार फेल हुआ हूँ, और मैं फेल होता गया, लेकिन एक नया प्रयास नया एनर्जी के साथ करता रहा, और किसी दिन आर्मी में भी सिलेक्शन हुआ। आर्मी में रहते हुए फिर लड़ाई करता रहा जो है ऊंचे लेवल के लिए, ऊंचे पोस्ट के लिए, वहाँ फेल हुआ, लेकिन जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम है, उसको पाने के लिए मेरे को एक नया रास्ता मिल गया, और फिर मैं जो है अचानक एक बार फिर दोबारा सफल हो गया। एक बार जब नौकरी मिली, जहाँ बेकारी की समस्या से सारे दोस्त जूझ रहे थे, सारे लोगों को जो है कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, घर में भी जो है कहीं ना कहीं गरीबी की पोजीशन दिख रहा था, उस समय जो है असफलताओं को मैंने स्वीकार किया, लड़ता रहा, चुनौतियों को मैं एंजॉय किया, तो मेरे को जो है जॉब मिल गई और मैं दुनिया के नज़र में एक बार सफल हो गया, दोस्तों के नज़र में सफल हो गया। फिर मैं जो है जब सेना गया, पहुंच गया, तो मुझे और ऊंचा ख्वाब बना, तो मैं फिर लड़ाई करता रहा, तो मैं जो है कहीं ना कहीं फिर दोबारा फेल होता रहा, क्योंकि एक ही पोस्ट में खड़ा था, तो फेल होता रहा, लेकिन मेरे को एक नया रास्ता मिल गया, फिर मैं सक्सेस कर गया। और जब वहाँ सक्सेस कर गया तो नेटवर्क इंडस्ट्री में घुसा, नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं मेरे नज़र में, लोगों के नज़र में एक सक्सेसफुल लीडर था, लेकिन मेरे को और ज़्यादा चाहिए था। फिर मैं फेल होता, फिर मैं असफलता के दौर से गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं एक जगह पे ठहरा हुआ था। फिर मुझे जो है एक सफलता की दौर मिली। आज मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह को बहुत सारे लोगों ने हासिल नहीं कर पाया, मैं बहुतों के नज़र में सफल हूँ, लेकिन फिर मुझे जो है एक नई सफलता की ज़रूरत है। फिर मैं लड़ाई लड़ता रहा था, असफलता की दौर से फिर गुजर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक जगह पे खड़ा हूँ, फिर सफलता मिलेगी,
और इतनी ज़बरदस्त मिलेगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो आपको भी असफलताओं को स्वीकार करते हुए एंजॉय करना है, अपने टारगेट को एंजॉय करना है, अपने अपना हक की लड़ाई लड़ते रहना है। आपकी हक की लड़ाई यही है सफलता, भगवान के साथ वो देंगे आपको, लेकिन आपको डटे रहना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सोमनाथ मिश्रा और बने रहिए, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिले रहेंगे तो मज़ा आता रहेगा और दोनों साथ सफल होंगे। आप भी ये तमाम सारे जो है लोग एक दूसरे की जो है दुआएं मांगेंगे, एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाते हुए सफलता के एक दौर ले आएंगे, नेटवर्क इंडस्ट्री को बदल के रख देंगे, इतिहास बदल देंगे हम। मंजूर है तो वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम। YouTube चैनल सोल्जर एलेक्स वर्ल्ड, मैं सोमनाथ मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद।